Hello friends, welcome back to Literary Ocean. Today I will discuss from an essay on man composed by Alexander Pope. Today I will discuss Epistle Second of Nature and State of Man. It was published in 1734, and it is written in heroic couplet. Heroic couplet, okay. And uh, it has four epistle. It has four epistle. How many? Four epistle.

प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन ओके इस गॉड को स्कैन करने की गार्ड को निरीक्षण करने की उसको जांचने की हमें कोई जरूरत नहीं है हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए हमें नहीं सोचना चाहिए ओके okay? यानी ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि का निरीक्षण करना हमारा दायित्व तो नहीं है हमारा दायित्व तो क्या है नो no देन thyself, अपने आप को जानना कि तुम कौन हो द प्रॉपर स्टिडी ऑफ मैन इज मैन जो मैनकाइंड की प्रॉपर स्टडी है उचित जो अध्ययन है आदमी का वो क्या है मानव का जो उचित अध्ययन है वो मानव है इज मैन वो कौन है आदमी है यानी हम अपने लाइफ में एक आदमी से दूसरे आदमी को जान जाए यही हमारा सबसे उचित अध्ययन होगा लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं और वो ये नहीं जान पाते कि हमारा सामने वाला आदमी जो कैसा है या हम कैसे हैं खुद को नहीं जान पाता है अपने सामने वाले पर्सन को नहीं जान पाता है प्लेस्ड ऑन दिसमस ऑफ अ मिडिल स्टेट उसको प्लेस्ड है ओके okay, वो स्थिर है कहां पे इस्थमस स्थमस क्या होती है स्ट्रिप ऑफ लैंड विद वाटर बॉडीज वाटर बॉडीज के साथ एक स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है ओके okay? तो उसकी कंडीशन क्या है मिडिल है ये बीच में है ठीक तो उसकी जो कंडीशन है वो मिडिल की है मींस ना तो वो गॉड है ना तो वो बीस्ट है यानी ना तो वो जानवर है ना तो वो ईश्वर है उसकी कंडीशन बीच की है आ बीइंग डार्कली वाइज यानी वो, वो उसमें अज्ञानता भी है लेकिन खुद को वाइज कहता है और बुद्धिमान भी है And rudely great, वो असभ्य भी है और महान भी है ओके यहाँ पे ऑक्जीमरो का प्रयोग किया गया है इसमें विर, विर, विरोधाभास दो यूज हुए हैं डार्कली वाइज एंड र्यूडली ग्रेट ओके नेक्स्ट विद टू मच नॉलेज फॉर द सेप्टिक साइड उसके पास अधिक नॉलेज है फॉर द सेप्टिक साइड जो संदेहवादियों को निराश करता है जो चीजों में संदेह करते हैं उन लोगों को निराश करता है और खुद भी कभी कभी अपने नॉलेज से वो संदेह में पड़ जाता है जब उससे अधिक नॉलेज हो जाती है तो वो चीजों को भी संदेह करने लगता है यानी ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीजों में संदेह करने लगता है विध टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक प्राइड और उसकी जो वीकनेस होती है कमजोरी है सबसे अधिक वो क्या है स्टोइक प्राइड जो स्टोइक का प्राइड होता है उसको भी दूर कर देती है स्टोइक क्या होते हैं स्टोइक पर्सन होते हैं जो कुछ फील नहीं कर सकते हैं ना तो वो सैडनेस फील कर सकते हैं ना तो वो हैप्पीनेस फील कर सकते हैं सो उसकी कंडीशन बीच की है डाउट टू एक्ट और रेस्ट वो हैंग करता है लटकता रहता है वो आराम करें तो उसकी कंडीशन कैसी है मानो की कंडीशन ऐसी है कि वो समझ नहीं पाता है की हमें कब एक्ट करना चाहिए कब रेस्ट करना चाहिए वो अपना पूरा दिन रात इस सोच में लगा देता है कि हम कब रेस्ट करें कब एक्ट करें और ऐसे ही उसकी जिंदगी निकल जाती है इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ अ गॉड और बीस्ट इन डाउट वो संदेह में है टू डीम डीम मे माना समझना खुद को हिमसेल्फ खुद को अ गॉड ईश्वर और बीस्ट या जानवर वो हमेशा दुविधा में रहता है कि वो खुद को ईश्वर माने या जानवर माने इन डाउट इज माइंड और बॉडी टू प्रफर वो हमेशा डाउट में रहता है कि वो बॉडी और माइंड में मस्तिष्क और शरीर में किसको ज्यादा महत्व दे यानी किस पर ज्यादा वो ज्यादा फोकस करें बॉर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू एयर बॉन्ड बट टू है मरने के लिए यानी जब वो जन्म लेता है तभी उसकी मृत्यु निश्चित होती है okay? And reasoning but to err. और उसकी जो, जो, जो रीजनिंग होती है जो रीजन है शक्ति इसी प्रकार है जैसे वो मूव बना रहता है इग्नोरेंस अज्ञान हो वेदर ही थिंक्स सो लिटल सॉरी वेदर ही थिंक्स टू लिटल और टू मच चाहे वो कम सोचे या अधिक सोचे okay? वो हमेशा अज्ञान बना रहता है कोज okay? और थॉट एंड पैसन आल कन्फ्यूज ओके भाव होता है उसके उसका जो संयोग होता है उसमें हमेशा वो परेशान रहता है स्टिल वो, वो हमेशा खुद को अब्यूज करता है यानी खुद को गलत चीजों में लाता है और डिसब्यूज फिर वो उसी से बाहर आने की कोशिश करता है okay? उसको नकारने की कोशिश करता है क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड टू फॉल उसको क्रिएट किया गया गॉड ने उसको क्रिएट किया है हाफ टू राइज कि वो थोड़ा सा उठे यानी आधा उठे एंड हाफ टू फॉल और आधा गिर जाए मीन्स उसकी कंडीशन कैसी है ना तो वो पूरी गिरेगा मीन्स ना तो वो बीस्ट बनेगा ना तो वो पूरी तरह से राइज होगा यानी ना तो गॉड बन पाएगा उसकी कंडीशन मिडिल की है ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स वो सारी चीजों की ऑल थिंग्स का महान शासक है लॉर्ड ओके okay, मालिक है एट आ टू ऑल और सबका वो शिकार भी है यानी वो चीजें खुद ही बनाता है और उसका शिकार धीरे धीरे खुद ही होता जाता है आज जिस प्रकार से साइंस डेवलप हो रही है वो क्या है कि मतलब चीजों को वो खुद ही बनाते हैं और फिर वही चीजें उनको बाद में समस्या देती हैं ओके सोल जज ऑफ ट्रूथ इन इंडलेस हर्ल्ड

में ओके चढ़ो यानी यानी बढ़ो पे क्या करती है 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 देती देती मार्गदर्शन के क्षेत्र जितना ऊंचे जा सकते हो जाओ गो मेजर अर्थ वे ईयर एंड स्टेट एंड टाइड्स जाओ अर्थ को मेजर करो यानी अर्थ की लंबाई नापो वे ईयर को वे करो एंड स्टेट एंड एंड टाइड्स और सारी चीजों को जानो जो टाइट्स होती हैं ओके okay? Uh, means, उसकी कंडीशन को जानो स्टेट को स्टेट की कंडीशन को जानो कि uh, कौन सा वेदर किस uh, टाइप का है तो इस प्रकार की चीजों में हमेशा ऊपर जाओ प्लान इन व्हाट ऑफ और मानो आ, अब इस समय मानो की कंडीशन क्या है इंस्ट्रक्ट द प्लान और इंस्ट्रक्ट करो प्लैनेट्स को जो प्लैनेट्स हैं ग्रह हैं उनको इंस्ट्रक्ट करो इन व्हाट ऑफ रन किस ऑर्ब में ओके किस वृत्त में वो रन करें ओके करेक्ट ओल्ड टाइम्स वो इतना चतुर है करेक्ट ओल्ड टाइम्स की जो पुरानी समय है उसको ठीक कर सकता है एंड रेगुलेट द सन और सन को रेगुलेट कर सकता है कंट्रोल कर सकता है उसको गो सोर विद प्लेटो टू द इंपीरियल स्पेयर गो जाओ सोर उड़ान भरो विद प्लेटोज प्लेटो टू द इंपीरियल स्पीय प्लेटो का जो इंपीरियल स्पीयर है स्वर्गीय क्षेत्र है या, यानी प्लेटो जो अपनी इमेजिनेशन से स्वर्गीय चीजों में घूम आता था यानी वो गॉड के द्वारा गई चीजों में विश्वास नहीं रखता था और उसके जो फॉलोवर्स थे वो भी उसी के तरीके से थे तो वो कह रहा है कि जाओ प्लेटो की तरह हो जाओ और इस वर्ल्ड में छा जाओ अपनी सोच से टू द फर्स्ट गुड फर्स्ट परफेक्ट एंड फर्स्ट स्पीयर और उनके फॉलोअर कैसे थे वो अपने आप को अच्छा मानते थे फर्स्ट गुड फर्स्ट परफेक्ट पहला परफेक्ट आदमी मानते थे और फर्स्ट फेयर सबसे अच्छा मानते थे तो उनके जो फॉलोवर थे वैसे ही आज के बीइंग्स उसी ओर जा रही यानी वो भी गॉड में विश्वास नहीं कर रही है और अपने आप को जानने की कोशिश नहीं कर रही है सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपको ईश्वर आप को जानना है तो खुद को जान जाओ क्योंकि ईश्वर और कहीं नहीं आप में ही विद्यमान है ओके सो आर ट्रेड द मेजी राउंड हिज फॉलोअवर्स ट्रोड उसके जो फॉलोअर्स जिस पैथ पे गए थे ओके फॉलोअर्स ट्रोड किए थे तो उसी पैथ पे जो मेजी राउंड है ओके भूल भुलैया जो चक्र है ओके राउंड जो उसको ट्रेड करो उसकी ओर बढ़ो ओके तो पोएट यहां पे अपनी बात खत्म करता है और कहता है कि हमें ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीजों में डाउट नहीं करना चाहिए ओके अपने आप को जानना चाहिए यदि आप अपने आप को जान गए तो समझ लिया लीजिए आपने पूरा यूनिवर्स जान लिया सो दी जो पोयम सो थैंक यू गाइज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर करना ना भूले थैंक यू